أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون मैंने चंद खुतबात पहले एक सिलसिले का आगाज किया था कि सिफात बारी ताला को मलहूज रखते हुए जमात अहमदिया में एक एक खुल की खसूसियत के साथ तालीम दूं। इस सिलसिले का आगाज मैंने अमानत से किया था। आज के मौजू के लिए मैंने अफ़व को चुना है। अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम अफ़ूव है। चुनाचे कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह काना अफ़ूवन गफूरा, अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला। अफ़ूवन कहते हैं दरगुजर करने वाले को। गफूर तो है बख्शने वाला, अफ़ूवन का माना है दरगुजर करने वाला है। दरगुजर करने में एक एराज का पहलू पाया जाता है, बदी को देखना लेकिन इस तरह उससे आंखें चुरा लेना कि देखने वाला शर्मा रहा हो बदी से, गोया गोया उसने कुछ देखा ही नहीं। चुनाचे अफा का माने हैं साफ कर देना, चटियल छोड़ देना। ऐसी जमीन को भी अफ़व कहते हैं जहां कुछ काश्त ना किया गया और खाली पड़ी हुई हो। और सफा भी है मिटाने का नाम। अफ़व और सफा दोनों मिलते जुलती सिफात हैं। तो अफ़व कहते हैं ऐसी जात को जो बदी देखती भी है लेकिन उससे नजरें फेर लेती है, सलूक ऐसा फरमाती है जैसे बदी हुई ही नहीं। और गफूर में इससे अगला कदम है, यानी एक इंसान ने बदी की और इस हद तक बढ़ गया कि वो सजा के नीचे आ गया और सजा देने वाले ने सजा का फैसला कर लिया, फिर वो खुदा अपने रब की तरफ या जिसने भी सजा उसको देनी थी उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, उससे माफी मांगी, गिरिया उजारी की। तो फैसला करने के बाद या बदी के इतना बढ़ जाने के बाद कि सजा की लाजिमन मुस्तौजब हो चुकी हो, फिर जब बख्शा जाता है तो उसको मग़फ़िरत कहते हैं और गफूर सिफत वहां कमजोर बंदों के काम आ जाती है। तो मैं इस पहले हिस्से पर
आज कुछ अहबाब जमात से मुखातब होऊंगा, यानी खुदा ताला का की सिफत अफ़व। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, हुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व याफ़ू अन सय्यात, वही जात है जो तुम्हें बख्शती भी है, जब तुम तौबा करते हो तो तौबा को कबूल भी फरमा लेती है, लेकिन एक पहलू पर तुम्हारी नजर नहीं कि याफ़ू अन सय्यात, तुम्हारे बेशुमार नकायस हैं, बहुत सी ऐसी कमजोरियां हैं जिनकी तरफ तुम्हें तवज्जो ही नहीं, ना तौबा का कोई मौका पैदा होता है, उनसे भी वो अफ़व करता चला जाता है। लेकिन ये बात नहीं कि उसके इल्म में नहीं आती बदियां। इंसान तो बार दफा गाफिल हो जाता है, कोई बदी कमजोरी उसकी नजर में आती ही नहीं, उसका नाम अफ़व नहीं है। फरमाया हुआ यालम व मा तफ़अलून, खूब जानता है कि तुम क्या कर रहे हो, और फिर इस तरह आंखें चुरा लेता है तुम्हारी बदियों से गोया वो थी ही नहीं। चुनांचे इसकी एक मिसाल देते हुए कुरान करीम में अल्लाह ताला बयान फरमाता है, वइज वादना मूसा अरबईन लैलतन सुम्मत तखस्तुमुल इजला मिन बादिही व अंतुम जालिमून सुम्मा फौना अनकुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। कि जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा किया और मूसा के साथ उसके साथियों को भी अपना कुर्ब नसीब किया, उसके बावजूद सुम्मा तखस्तुमुल इजला मिन बादिही, उसके बावजूद तुमने बछड़े को माबूद बना लिया, वअंतुम ज़ालिमून, और तुम खुला खुला जुल्म करने वाले थे, सुम्मा अफ़ौना अनकुम, ये सब कुछ होते हुए, ये सब कुछ देखते हुए भी अल्लाह ताला ने तुमसे अफ़व का सलूक फरमाया, मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम में शुक्र पैदा हो। अफ़व के नतीजे में यहां खुदा ताला ने इस तरफ तवज्जो दिला दी कि शुक्र पैदा होना चाहिए, और यह भी एक बहुत ही जरूरी काबिले तवज्जो बात है जिसको बहुत से लोग भुला देते हैं, और उसके नतीजे में फिर कई खराबियां मुआशरे में पैदा हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अफ़व की आदत डालें। अफ़व का सलूक करना दूसरों से ये एक बहुत ही अजीम खूबी है, और इंसानी किरदार की तामीर में बहुत बड़ा काम करती है। बदियों की मौजूदगी में ये बहस किए बगैर कि बदी थी या नहीं, जहां तक मुमकिन हो, जहां तक इंसानी जहन ये फैसला करे कि अगर मैं माफ करूंगा, अफ़व से काम लूंगा, तो बदी सर नहीं उठाएगी, बल्कि उसके नतीजे में शुक्र पैदा होगा और इस्लाह होगी। ये दो हैं नतायज जो कुरान करीम से मालूम होते हैं कि अफ़व के नतीजे में पैदा होने चाहिए। दूसरी जगह फरमाता है, मन अफ़ा व असलहा फ़ाजरुहु अलल्लाह, कि जो शख्स अफ़व से काम ले इस शर्त पर कि उसके नतीजे में इस्लाह हो, फ़ाजरुहु अलल्लाह, उसका अजर अल्लाह पर है। तो दो शर्तें माफ करने वाले को मलहूज रखनी चाहिए, और दो शर्तें उसको भी मलहूज रखनी चाहिए जिससे अफ़व का सलूक हो रहा हो। अफ़व करने वाले को हमेशा कुरान करीम की तालीम के पेश नजर ये देखना चाहिए कि मेरा अफ़व इस शख्स की इस्लाह का मूजिब बन सकता है या नहीं, और क्या मेरे अफ़व के नतीजे में इसके अंदर जज्बात तशक्कुर पैदा होंगे या नहीं। बाज़ दफा कौमी तौर पर हर शख्स के दिल में जज्बात तशक्कुर पैदा नहीं होते, लेकिन अल्लाह ताला इतना रहम करने वाला और इतना अफूव है कि चंद लोगों के जज्बात तशक्कुर की खातिर वो दूसरों से भी सरफ नजर फरमा लेता है। इसलिए हजरत मूसा की कौम की जो मिसाल दी गई है, उसका यह मतलब नहीं कि खुदा ताला जानता था कि हर शख्स शुक्रगुजार बंदा बनेगा, जैसा कि और मौके पर अल्लाह ताला की बेइंतहा रहमत और शफकत और राफत के नमूने मिलते हैं। जब कौमों से अफ़व फरमाता है अल्लाह ताला, तो उनमें से बाज़ को शुक्र का मौका देता है, जिनके मुतलिक जानता है कि वो शुक्र करेंगे, उनके सदके दूसरी कौम भी बख्शी जाती है।
मगर जब हम इंफिरादी मामला करते हैं तो अफव करने वाले का यह फर्ज है कि वो देखे कि उसके अफव के नतीजे में जज्बात तशक्कुर पैदा हो रहे हों या इसलाह हो रही हो। अगर ये दोनों बातें ना हों तो अफव का मतलब यह है कि बदी की हौसला अफजाई की जाए और बाज दूसरे मासूम इंसानों को बाज दूसरे इंसानों के जुल्म का निशाना बनाया जाए। तो इन दो शर्तों के साथ अफव है, लेकिन जहां मलकियत हो वहां ये दो शर्तें भी बाकी नहीं रहती। बाज दफा जहां माफ करने वाला किसी को माफ करता हो और उसके नतीजे में वो गैरों के ऊपर कोई जुल्म ना कर सके, माफ करने वाले को मजीद दुख दे, वहां यह शर्त नहीं है कि जरूर इसलाह हो। वहां जितना भी दुख बर्दाश्त कर सकता है माफ करने वाला वो करता चला जाए, उसका अजर खुदा ताला उसको देता चला जाएगा। तो अफाव असलाह में ये तीसरी बात भी खास तौर पर पेश नजर रखें। एक सोसाइटी का मुजरिम है, उसको माफ करने के लिए आप मालिक नहीं हैं, इसलिए आप पाबंद हैं कि इसलाह को मनहूज रखें और यह ना हो कि माफ किया जाने वाला बाद में दंदनाता फेरे और कहे कि देखो जी कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं होता यहां, और दोबारा जुर्म पर उसका हौसला बढ़ जाए। लेकिन अगर आपके खिलाफ किसी ने ज्यादती की है, आपके खिलाफ जुर्म किया है, तो वहां यह शर्त लाजमी नहीं है। आप जितना माफ कर सकते हैं, जितना आप में हौसला है उतना ही उसके साथ शफकत और राफत का सलूक करते चले जाएं और अफव से काम लें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयात की जो अमली तफसीर फरमाई उनसे यही मालूम होता है। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनिया में जितनी मुसीबतें हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा अफव की कमी की वजह से है, और जराइम की हौसला अफजाई के नतीजे में मुसीबतें फैलती हैं। और तुम्हारे जराइम अगर सारे के सारे उस तभी नतीजे तक पहुंचे जिस तक जुर्म को पहुंचना चाहिए, यानी सजा पाए पाओ तुम उसके नतीजे में दुख उठाओ, तो बे इंतहा मसाइब से दुनिया भर जाए। ये अल्लाह ताला का अफव है कि तुम में तुम्हारे बहुत से जराइम ऐसे हैं जिनसे वो सरफ नजर फरमाता चला जाता है और तुम उनका लाजमी तभी नतीजा नहीं देखते, अपने जुर्मों की सजा से बच जाते हो और उसके नतीजे में सोसाइटी में उतने दुख नहीं है जितने तुम्हें नजर आ रहे हैं। तो गोया जो कुछ तुम देख रहे हो दुखों की शक्ल में, ना सिर्फ ये कि तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है बल्कि सारी कमाई नहीं, उसका महज एक हिस्सा है। अगर तुम्हारे जराइम की सबकी सजा दी जाए तो इंसान का इस दुनिया में जिंदा रहना मुश्किल हो जाए, बल्कि कुरान करीम से तो पता चलता है कि जानवर भी जिंदा ना रह सकें, दाब्बा भी इस दुनिया से मिटा दिए जाएं अगर इंसान के जराइम को देखा जाए, क्योंकि दाब्बा तो इंसान की खातिर पैदा किए गए हैं। अगर इंसान ने ही जिंदा रहने का हक छोड़ दिया तो उसकी खातिर जो चीजें पैदा की गई हैं उनका जिंदा रहने का भी कोई जवाब बाकी नहीं रहता। लेकिन बाज लोग अफव नहीं कर सकते और उनको अफव पे मजबूर भी नहीं किया जा सकता। यह इतनी अजीम शान अदल की तालीम है कि अगर इसको राइज किया जाए दुनिया में तो दुनिया के अक्सर मसायब महज इसी तालीम पर अमल पैरा होने के नतीजे में खत्म हो सकते हैं। फरमाता है अफव जो है यह एहसान के साथ ताल्लुक रखने वाला जज्बा है, यह लाजमी नहीं है। इसलिए अगर तुम अफव नहीं कर सकते और लाजमन सजा देना चाहती हो किसी को, तो फिर सिर्फ यह शर्त है कि जितना जुर्म हो जितनी बदी की गई हो उतना ही तुमने बदला लेना है, उससे आगे एक कदम भी तुम्हें जाने की इजाजत नहीं। यह वो अजीमुशान इस्लामी तालीम है जिसको अगर आज दुनिया में नाफिज किया जाए तो ये जो खतरात के मुहीब बादल छाए हुए हैं और कड़कने भी लगे हैं, अब इनकी गर्जें सुनाई देने लगी हैं,
ये सारे बादल काफूर हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी एक दफा बताया था, दुनिया में जितनी जंगें हैं जो हो चुकी, उन सब के पस मंजर में बाद इस्लामी तालीमात को भुला देना आपको दिखाई दे रहा होगा। हर जंग से पहले के जो हालात हैं उनके उन पर आप गौर करें तो लाजिमन इस्लामी तालीम को नजरअंदाज करने के नतीजे में वो जंगें पैदा हुई, और हर जंग के बाद के जो हालात हैं उनके नतीजे में अगली जंगें पैदा हुई, इसलिए कि जंग के बाद के हालात में भी इंसान ने इस्लामी तालीम पर नजर नहीं रखी, उस पर अमल नहीं किया। चुनाचे जजाओ सैयतिन सैयतुम मिस्लुहा में खुदा ताला ने ना फर्द को इजाजत दी ना कौम को इजाजत दी कि अगर तुमसे बदी की जाती है तो उससे बढ़कर तुम बदला लो। सिर्फ एक ऐसी चीज है जो बदला लेने वालों को मजबूर कर दिया करती है कौमी लिहाज से कि बदी से बढ़कर वो बदला लें, और वो आम बाज दफा इनफरादी तौर पर भी हमें दिखाई देती है। बाज लोग तो वैसे ही मुंतकिम और मगलूबुल गजब होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, आम दरमियानी इंसानी फितरत रखने वाले लोगों से मुतल्लिक आप गौर करके देखें कि जब वो बदी का बदला लेते हैं और ज्यादती करते हैं तो उसके पीछे एक मुहर्रिक होता है, और यही मुहर्रिक जो है वो कौमों को भी बदी से बढ़कर बदला लेने पर मजबूर कर देता है। वो मुहर्रिक ये होता है कि उनको खौफ होता है कि जिस शख्स ने हमसे ज्यादती की अगर हमने उतना ही बदला लिया जितना उसने जुल्म किया था तो ये इतना कमजोर नहीं होगा, इतनी सख्त इसको सजा नहीं मिलेगी कि उसके नतीजे में आइंदा जुर्रत ना कर सके, तो वो तोड़ना चाहते हैं बद की ताकत को बावजूद इसके कि उसने जुल्म थोड़ा किया है। वो समझते हैं कि इसके अंदर से आइंदा बदी की ताकत छीन ली जाए, यानी इसको इतना कमजोर और बेकार कर दिया जाए कि फिर ये उठ ना सके, इसके नतीजे में ज्यादतियां होती हैं और जुल्म होते हैं। तो अल्लाह ताला की चूंकि बहुत बारीक नजर है फितरत पर, फितरत का पैदा करने वाला वो है, उसके हर पहलू से वाकिफ है, इसलिए कुरान करीम भी कोई पहलू फितरत का बाकी नहीं छोड़ता और हर एक का जवाब देता है। चूंकि बड़ी बड़ी कौमें लड़ाइयों के बाद हमेशा ये रद्द अमल दिखाती हैं कि जिन लोगों की वजह से जंगें हुई थी उनको टुकड़े टुकड़े कर दो, उनको बखेर दो दुनिया में, उनके अंदर इतनी सख्त ना बाकी रहने दो कि वो फिर उठ सकें, उसके नतीजे में उनका हुक्म तो नहीं चलता, कानून कुदरत चलता है, और वो मजालिम उनके अंदर डूब जाते हैं, उनका जुज बन चुके होते हैं, उनकी रगों में दौड़ता रहता है खून उन मजालिम का, और जब भी उनको तौफीक मिलती है वो फिर अपना बदला लेने के लिए उठ खड़ी होती है। दो दफा जर्मन कौम से ऐसा हो चुका है और तीसरी दफा भी उसका बीज बोया जा चुका है, जब बर्लिन को तकसीम किया जा रहा था और जर्मनी को तकसीम किया जा रहा था तो रूजवेल्ट और चर्चिल और स्टालिन ये बातें कर रहे थे कि इस कौम ने दो दफा दुनिया की तबाही के सामान पैदा किए हैं, और दोनों दफा जो हमने जराए अख्तियार किए वो काफी नहीं थे, यानी उसके नतीजे में जो इन पर जुल्म किया हमने वो काफी नहीं था, इसलिए अब इस कौम को इस तरह टुकड़े टुकड़े कर दो कि कोई सवाल ही बाकी ना रहे अगली जंग का। और अब वही डिवाइडेड जर्मनी जो दो हिस्सों में बट चुका है वही बहुत बड़े खतरात का मुझे बन चुका है, दो पोलराइजेशन वहां हो चुकी है, एक मशरिक का कैंप एक मगरिब का कैंप, अब जर्मन जर्मन से नफरत करने लगा है, और सबसे बड़ा खौफ जो मगरबी जर्मनी में नजर आ रहा है वो ये है कि पहली जंग में तो हम गैरों से लड़ा करते थे, अब जर्मन जर्मन का खून पिएगा और जर्मन जर्मन कौम को हलाक करने के समान पैदा करेगा। तो इस्लामी तालीम को भुलाने के नतीजे में कोई फायदा तो ना पहुंचा दुनिया को, और कोई सूरत उनकी नहीं बनती कि किस तरह इन मजालिम का खात्मा कर सकें,
सीधा साधा कुरानी असूल था जिसको भुलाने के नतीजे में वो इस मखमसे में फंस चुके हैं। एक जुल्म के नतीजे में अगर बदला जुल्म से ना बढ़े तो खुदा फरमाता है सिर्फ ये जरिया है जुल्म को खत्म करने का, और ये कम से कम जरिया है। अगर असल से काम लोगे तो ज्यादा इम्कान होगा जुल्म के गायब होने का। अगर दरगुजर के बाद मगफरत भी करोगे तो इससे भी और ज्यादा इम्कानात हो जाएंगे जुल्म के मिटने के। लेकिन अगर तुम ये तरकीब इख्तियार करोगे अल्लाह के कानून से जंग करते हुए कि जितना जुल्म किया उससे ज्यादा जुल्म करेंगे और तोड़ कर रख देंगे, इससे दुनिया को जुल्म से निजात देंगे, तो यह तरकीब नहीं चलेगी, ना पहले कभी चली है ना आइंदा चल सकती है, क्योंकि कुरानी तालीम के मुखालिफ है। इसको कहते हैं ऐसी तालीम जो जोरे बाजू से मनवा लेती है कौमों को अपनी फजीलत को, और मजबूर कर देती है मुखालिफीन पर को भी कि उससे बेहतर दिखाई कुछ ना सकें। हैरत अंगेज किताब है यह कि कोई दुनिया की अकल, कोई लॉजिक, कोई तारीख का तजर्बा इसकी तालीम को झुटला नहीं सकता। लेकिन इस खतरे का की निशानदेही करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम इस बात की फिक्र ना करो कि अगर तुम जुल्म का बदला उससे बढ़कर नहीं लोगे तो तुमसे क्या होगा। फरमाया चूंकि हम तुम्हें यह तालीम दे रहे हैं, हम इस बात के जामिन हैं। और इस जमानत में कुरान करीम की तालीम का हुसन यह है कि काफिर और मोमिन में कोई फर्क नहीं किया। इंसान को बहसियत इंसान मुखातब करते हुए फरमाता है कि अगर तुम जुल्म के बदले में ज्यादती से काम नहीं लोगे और वहां ठहर जाओगे जहां तक जुल्म पहुंचा था, एक इंच भी आगे नहीं बढ़ोगे, तो तुम्हें यह जो खौफ लाहक है कि वो तुम्हारे ऊपर बगावत करेगी वो कौम और दोबारा तुम्हें तबाह कर देगी, फरमाया इसके हम जामिन हैं। इतनी हैरत अंगेज जमानत है कि हैरान होता है कुरान करीम को इंसान पढ़ के कि सारी दुनिया को मुखातिब करता है और सारी दुनिया की ऐसी जमानत लेता है जिसकी कोई मिसाल कहीं किसी किताब में नजर नहीं आती। फरमाया वमन आकब अब मिसल मा ऊके बबेही सुम्मा बोगे आला है लयन सुरन्नहुल्लाह इन्नल्लाह लाफूगुन गफूर। तुम बड़े बेवकूफ हो जो इस बात से डर रहे हो कि अगर तुमने जुल्म के बदले में ज्यादती ना की तो ये कौम उठ खड़ी होगी और तुम्हारे खिलाफ बगावत करेगी और फिर तुम्हें कमजोर देखकर तुम पर काबिज हो जाएगी, यही खतरा है तुम्हें। फरमाया लयन सुरन्नहुल्लाह, अगर हमारी खातिर तुम जुल्म से रुकोगे तो हम वादा करते हैं कि यकीनन अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। और याद रखो कि यह तो अदना सी बात है जिसकी तवक्को तुमसे रखता है अल्लाह ताला, इन्नल्लाह लअफूवुन गफूर, खुदा तो अफव करने वाला है और अफव के बाद बख्शिश भी करने वाला है। यानी सरफे नजर के बाद जो गुनाह बच जाते हैं ऐसे कि उनकी सजा देनी पड़ती है आम हालात में या सजा का फैसला कर लिया जाता है, उनसे भी वो बख्शता है। तो अगर दुनिया में सच्चा अमन कायम करना चाहते हो तो लाजमन इन तीन चीजों को इख्तियार करना पड़ेगा। सबसे पहले सजा में सजा से बढ़कर जुर्म से बढ़कर सजा ना देना, दूसरा अफव करना यानी जराइम देखना और आंखें फेर लेना गोया वो थे ही नहीं, और तीसरा जराइम अगर बढ़ चुके हों और इंसान मुर्तकिब हो चुका हो और सजा का हक रखता हो फिर भी उससे बख्शिश का सलूक करना। यह कौमी तालीम सिर्फ नहीं है बल्कि इनफरादी भी है और अहली जिंदगी और आयली जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि अक्सर जो हमारे घरों में दुख फैले हुए हैं, मुसीबतें हैं, लड़ाइयां हैं, माहौल तबाह हुआ है, उसकी एक वजह यही है। जिस तरह सारी दुनिया का अमन बर्बाद हो चुका है इस तालीम को भुलाने के नतीजे में, अफव के ना होने के नतीजे में, उस तरह घरों की तबाहियां भी अफव के ना होने के नतीजे में है। बाज बीवियां ये साबित करने के बाद कि खावन ने यह गलती की है, वो समझती हैं कि अब इसके बाद लाजमन मेरा फसाद करना जरूरी हो गया है,
क्योंकि वो गलती करता है, इसलिए अब मुझे हक है फसाद का और मैं जरूर करूंगी। और जब वो फसाद करती है तो उतना नहीं करती जितना खावंद की गलती थी, उससे चार कदम आगे बढ़ जाती है। ऊपर से कहते हैं जैसी रूह वैसे फरिश्ते, फिर इनको खावंद भी बाद ऐसे मिले हुए होते हैं जो कहते हैं अच्छा अब तुम बोलने पे आई हो तो मैं फिर चार थप्पड़ नहीं बल्कि 16 थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। एक घर जो जन्नत के लिए बनाया गया, जिसके मुतल्लिक कुरान करीम फरमाता है इसलिए पैदा किया गया तुम्हें सकीनत मिले, वो जहन्नम का नमूना बन जाता है। यानी पहला कदम ही सोसाइटी में नहीं उठाया गया, अफव तो बाद की बात है। पहले यह भी नहीं सोचा जाता कि जितना जुर्म हो अगर तुम माफ नहीं कर सकते तो कम से कम उससे आगे ना बढ़ो। फिर तो अगर अहमदी अपने घरों को जन्नत का नमूना बनाना चाहते हैं तो इस बात को मजबूती से पकड़ के बैठ जाएं। अगर वो किसी कीमत पर माफ नहीं कर सकते, और एक अहमदी से यह तवक्को नहीं मैं रखता कि वो इस अदना दर्जे पर आकर ठहर जाए, उन्होंने तो बड़े बड़े दुनिया में काम करने हैं, सारी दुनिया को अखलाक हसना सिखाना है। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकारमुल अखलाक से आशना करना है। ये कोई रुतबा है उनका कि वो छोटी से छोटी बात पर जिसको कुरान कराहत के साथ कबूल कर रहा है उस पर अटक कर बैठ जाए कि जी हमारे लिए यही काफी है। उनके मुतल्लिक तो मैं यही कह सकता हूं कि एक मौके पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक ऐसा शख्स हाजिर हुआ जिसका कोई अजीज कत्ल हो गया था, वो उसका वली था। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको माफ कर दो। उसने कहा मैं माफ नहीं कर सकता। आपने फरमाया दियत ले लो। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं ये भी नहीं कर सकता। आपने फिर उसको नसीहत फरमाई, फिर उसने एराज किया। आपने कहा अच्छा ठीक है फिर तुम अपना बदला लो। और बाद में आपने फरमाया कि इस शख्स के साथ वही सलूक किया जाएगा जो ये कर रहा है। यानी खुदा ताला के अफव से अपने आप को महरूम कर बैठा है शख्स। वो बड़े जोर शोर से बदला लेने जा रहा था, पीछे से एक सहाबी दौड़ा और उसने कहा कि सुना है तुमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे मुतल्लिक क्या कहा है? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा यह फरमाया है। उसने कहा अगर यह फरमाया है तो मैं अपना बदला नहीं लेता, मैं बाज आता हूं। तो यह है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवक्को अपनी उम्मत से। यह ख्याल गलत है कि यह मुसलमानों के लिए तालीम है। मेरा नजरिया यह है कि चूंकि सारे आलम को कुरान करीम मुखातब करता है और बनी नौ इंसान उसके कम अज कम मुखातब हैं, इसलिए कुरान करीम हर किस्म की तालीम अपने अंदर रखता है। और यह आम बनी नौ इंसान से तवक्को है कि कम अज कम इतना तो करें, अगर वो इंसानियत को दुखों से बचाना चाहते हैं तो कम अज कम इतना तो करें कि जब बदला लें तो उतना ही लें जितना के कसूर किया गया था, उससे आगे ना बढ़ें। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया की यह शान नहीं है। हां अगर वो इतना ही करें तो उस पर किसी को ताना जनी का हक नहीं रहेगा, यह अलग बात है। यानी वो शामिल तो हैं इसमें, लेकिन बनी नौ इंसान के एक आम फर्द के तौर पर उम्मत मोहम्मदिया के लिहाज से जो उनकी शान है वो इससे बहुत बाला है। वो तो हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने ही हैं। आपने इन आयात को जो समझा उसके बाद अपनी जिंदगी में जो अमली तफसीर फरमाई, हमारे लिए तो वही है। तो बहरहाल ऐसे लोग भी हैं जो घरों को जन्नत की बजाय जहन्नम में बदलते हैं, माफ नहीं कर सकते। लेकिन कम अज कम इंसान तो बने। कुरान जो इंसानियत के मुतल्लिक अदना तवक्को रखता है वो तो दिखाएं। अगर वो माफ नहीं कर सकते तो फिर जितना जुर्म है उससे आगे ना बढ़ें। लेकिन अफसोस है कि बहुत सी खराबियां इस वजह से हैं कि बदला भी लेते हैं और फिर जुल्म करते हैं बदले के वक्त। बाल लोग कहते हैं जी हमारे बीवी और बच्चों ने जुल्म किए हैं और ये हरकतें करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ठीक है हमें इल्म है कि तुम्हारी बीवियों में से तुम्हारी औलादों में से तुम्हारे दुश्मन भी हैं। यानी आम कमजोरियां तो अलग है, खुदा के इल्म में है कि तुम्हारे से दुश्मनी करने वाले तुम्हारे घरों में मौजूद होते हैं, बाज़ दफा बदनीयती के साथ भी तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं, या बाज़ दफा इन मानों में दुश्मन बन जाते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत
उनको बिगाड़ देती है और फिर वो अमलन तुमसे दुश्मनी कर रहे होते हैं। जब बदियां करते हैं तुम उनमें जिम्मेदार हो जाते हो। बहरहाल इसके कई मानी हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है उसके बावजूद हम तुम्हें यह तालीम देते हैं, अपने खामदों के जरायम देखो, अपनी बीवियों के जरायम देखो, अपनी औलाद की गफलतें और कोताहियां देखो, फिर भी व इन ताफू व तस्फहू व तगफिरू फइन अल्लाह गफूर रहीम। पूरी आयत यह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुवुल लकुम फहज़रूहुम व इन ताफू व तस्फहू व तगफिरू फइन अल्लाह गफूर रहीम। क्या लोगो, अल्लाह जानता है कि तुम्हारी बीवियों में से या खामदों में से और तुम्हारी औलाद में से तुम्हारे दुश्मन भी हैं, उनसे बचो। इतना तो तुम्हें हक है कि उनकी बदियों से या उनके बद अफाल के बद नताइज से बचने की कोशिश करो, लेकिन यह कि फिर माफ नहीं करना, उनको मारना कूटना है, उनसे बदले उतारने हैं या मजालिम करने हैं, इसकी खुदा तुम्हें इजाजत नहीं देता। वइन ताफू, पहली बात यह फरमाता है अल्लाह ताला कि तुम अफव से काम लो और इस तरह रहो गोया बहुत सी बदियां तुम देख ही नहीं रहे। वह तस्फहू सफा, उससे अगला मुकाम है सफा, इस तरह उड़ा देने का नाम है एक चीज को कि कोई निशान भी उसका बाकी न रहे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तस्फहू सफा से भी काम लो, और इसमें एक खुशखबरी भी दी गई है कि अफव के नतीजे में सफा पैदा हो जाती है। अगर अफव का तजर्बा करें आप, बार बार अफव से काम लें, तो आप देखेंगे कि बसा औकात अफव जो है वो बदियों को उड़ा ले जाता है और निशान उनके मिटा देता है। तो फरमाया वह इन ताफू व तस्फहू, अगर तुम अफव से काम लो और तस्फहू, उसके नतीजे में तुम्हें यह ताकत भी नसीब हो जाए कि ये खराबियां घर की दूर होनी शुरू हो जाए, तो यह बहुत बेहतर है। वह तगफिरू, लेकिन अगर बदियां कुछ बाकी रह जाती हैं और सजा को दिल चाहता है, तो फिर भी हम तुम्हें कहते हैं मगफरत से काम लो हत्तल मकदूर। क्यों? इसलिए कि इन अल्लाह गफूरुर रहीम, कि अल्लाह सिर्फ अफव करने वाला नहीं है बल्कि बेहद मगफरत करने वाला है और बहुत ही रहम करने वाला है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुखातब करके फरमाया खुज़िल अफवा वामुर बिल उर्फ वारिज अनिल जाहिलीन। हज़रत तो मुजस्सम अफव थे, खुदा की सिफात में रंगीन थे, फिर आपको यह हुक्म क्यों दिया गया है? बज़ाहिर यह अजीब बात लगती है, लेकिन असल बात यह है कि बाज़ अहकामात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके दिए जाते हैं और सारी कौम मुराद होती है, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबकी नजर है, आपसे बे इंतहा मोहब्बत है। इसलिए अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि जो बंदा मुझे सबसे प्यारा है उससे मैं क्या तवक्को रख रहा हूं, और इस तरह कौम को एक तलखीन तहरीज की जाती है नेकियों की। तो यह मुराद नहीं थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत थी, आप तो नबूवत से पहले ही बेहद अफव करने वाले थे। तो खास तौर पर उम्मत मोहम्मदिया को गैर मामूली जब किसी नेकी की तरफ तवज्जो दिलाना हो, यह कुरान का असलूब है, तो फिर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनफरादी तौर पर चुनता है और आपको वो हुक्म देता है, ताकि उस मरकज से फिर इंतशार हो खैर का। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी फरमाया वामुर बिल उर्फ़े, और बेहतरीन रंग में अफव की तालीम भी दो। उर्फ उस नेकी को भी कहते हैं जो मारूफ हो, आम दुनिया में राइज हो, और उस नेकी को भी कहते हैं जो नेकियों में भी एक नुमाया शान रखती हो। तो चूंकि अफव का जिक्र फरमाया है, इसलिए अव्वल माना इसका यह होगा वामुर बिल उर्फ के अफव के मामले में बेहतरीन तालीम दो बड़ी नौ इंसान को। इज़मन में चंद अहादीस में आपके सामने रखता हूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कैसे अमल फरमाया और किस रंग में तालीम दी।
एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीक फरमाई कि सदका दो, यानी अल्लाह की राह में खर्च करो। कुछ लोग सोना लाए, कुछ चांदी लाए, कुछ गल्ला लाए, कुछ खजूर ले आए। एक शख्स के पास और कुछ नहीं था, खजूर के छिलके ही उठा लाया कि या रसूलल्लाह मेरे पास तो यही है, मैं ये हाजिर कर देता हूं। एक शख्स आया और अर्ज किया कि मेरे पास तो या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी आबरू सदके में पेश कर देता हूं। अगर कोई मुझसे ज्यादती करेगा, मुझे बुरा भला कहेगा, तो मैं उससे गुस्सा नहीं होऊंगा। उस आदमी के कुछ लोग बाद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने फरमाया, तुम में से एक आदमी ने ऐसा सदका किया है जिसको अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। कितनी प्यारी है यह हदीस और कैसा प्यारा रंग है लोगों को नसीहत करने का। वामुर बिल उर्फ इसको कहते हैं, इन वामुर बिल उर्फ पर अमल दरामद इसको कहते हैं। इसमें एक और पहलू की तरफ भी तवज्जो दिला दी गई कि बहुत सी जगह अफव की राह में इज्जत नफ्स हासिल हो जाती है। लोग समझते हैं कि बाकी चीजें तो चलो माफ हो गई, चोरी कर ली, कुछ थोड़ा सा नुकसान पहुंचा गया, लेकिन मेरी इज्जत पे हमला करता है, ये मैं किस तरह माफ कर दूं, इसका तो मैंने बदला लेना है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुत्तले किया कि इज्जत के मामले में दरगुजर करना, इज्जत पर जो हाथ डालता हो उसको माफ करना, ये अल्लाह ताला को इतना पसंद आया है कि उसने खुदा अपने रसूल को खुद खबर दी कि इस शख्स की ये नेकी मैंने कबूल फरमा ली है, मुझे बहुत पसंद आ गई। और आप देख लें हमारी माशरती खराबियों में से बहुत सी खराबियां इस वजह से पैदा होती हैं कि इज्जत नफ्स के मामले में आके लोग कहते हैं कि उसने मेरी बेइज्जती की, हम तो कभी माफ नहीं करेंगे। अभी चंद दिन हुए एक खानदान का झगड़ा आया, बड़े उन्होंने दर्द का इजहार किया दोनों तरफ ने कि जी हमारे दरमियान नाचाकी हो गई है, बड़े इकट्ठे थे, बड़े मोहब्बत का मामला था और अब हम अलग अलग हो गए हैं, फट गया है खानदान, दुआ करें। मैंने कहा दुआ का मामला तो बाद का है, पहले ये बताओ कि क्यों हो रहा है, या आखिर क्यों तुम लोग नहीं सुलह करते। तो जवाब दिए जी अब कैसे सुलह हो सकती है, उन्होंने तो बेइज्जती कर दी हमारी। बेइज्जती के बाद सिर्फ दुआ रह जाती है और कोई जरिया बाकी नहीं रहा। हालांकि दुआ की कबूलियत का असूल यह है कि जिस सिफत में आप अल्लाह के मुशाबे होंगे उस मामले में आपकी दुआएं कबूल होंगी। ये आप तजर्बा करके देख लें, बिल इरादा अल्लाह ताला की सिफात को अपनाएं, जिस सिफत को आप अपनाते हैं उस सिफत में अल्लाह ताला आपसे हया करेगा और आपकी दुआएं जरूर सुनेगा। जो लोग रब बनते हैं लोगों के, रबूबियत इख्तियार करते हैं, वो जब दुआ करते हैं ए खुदा हम मुसीबत पड़ गई है, जरूरतमंद हो गए, हमारी मदद फरमा, हो कैसे सकता है कि अल्लाह ना सुने, वो तो उनके कहे बगैर भी सुनने लग जाता है। ऐसा प्यार का सलूक उनसे फरमाता है कि जो दूसरों की जरूरतें पूरी कर रहे होते हैं उनकी जरूरत में खुद लग जाता है। तो हर सिफत के मुतालिक याद रखें, जो कुछ आप अपने रब से तवक्को रखते हैं आपकी दुआ में संजीदगी और सच्चाई पैदा नहीं हो सकती जब तक वैसा बनने की कोशिश ना करें। आप तो लोगों से इस कदर रऊनत का सलूक करें कि उसने हमारी इज्जत पे हाथ डाल दिया है इसलिए हम उसको माफी नहीं कर सकते। अब कभी उसने घर नहीं बुलाया, उसने फलां वक्त दावत नहीं दी, यानी ऐसे ऐसे भी मुकदमात आए हैं कि मियां बीवी की आपस में नाचाकी और फिर मियां बीवी की खानदान की दूसरे खानदान से नाचाकी और कई कई साल तक फट गए हैं दिल और एक दूसरे से मिलना जुलना बंद हो गया, इसलिए कि बीवी के मां बाप ने अपने फलां अजीज की शादी पर जबानी पैगाम भेज दिया था कि आ जाना, कार्ड नहीं भेजा या अलग रुका लिख के नहीं भेजा। आप हंस रहे हैं कि ये बड़ी जहालत है, लेकिन इस जहालत में है मुब्तला लोग। अपने ऊपर जब पड़ती है बात तो अपनी इज्जत इतनी प्यारी लगती है आदमी को कि वो समझता है उसकी खातिर हर हिमाकत जायज है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसमें साथ ये भी फरमाया, वारिज अनिल जाहिलीन, जाहिलों से एराज करना, ये बड़े लोग दुनिया में जाहिल फिरते हैं। तो इज्जत नफ्स बहुत बड़ा उजर समझा जाता है बदला लेने का और माफ ना करने का।
तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे प्यारे अंदाज में उसको हमारे सामने खोल कर रख दिया इस कमजोरी को, और इसका हल भी पेश फरमा दिया कि देखो ऐसे ऐसे भी खुदा के बंदे हैं। जब उनके पास कुछ पेश करने के लिए नहीं था, उन्होंने कहा अल्लाह की खातिर हम इज्जत पेश करते हैं, हमारी जो चाहो बेइज्जती कर लो, हम आगे से जवाब नहीं देंगे। और उसके नतीजे में अल्लाह इतना खुश हुआ कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद बताया। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मैंने जैसा कि बयान किया था, अपना नुकसान हो और बाज ना आ रहा हो कोई, और उसके नतीजे में दूसरों का कोई नुकसान ना हो, वहां इस्लाह की शर्त लाजमी नहीं है। वहां यही तालीम है कि जितना हो सकता है मुमकिन उतना सब्र करते चले जाओ और अपने हकूक की अदायगी से गाफिल ना रहो। चुनाचे इस ज़मन में हजरत अमर बिन शुएब अपने बाप से रिवायत करते हैं कि एक दफा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं और मैं उनसे सिला रहमी करता हूं और वो कत ताल्लुक करते हैं, यानी मैं तो उनके सारे हकूक अदा करता हूं रहमी रिश्तों के नतीजे में जो पैदा होते हैं, और वो उन हकूक को काटते चले जाते हैं, मैं माफ करता हूं और वो जुर्म करते चले जाते हैं, मैं अच्छा सलूक करता हूं और वो बदसलूकी करते चले जाते हैं। इससे ज्यादा क्या मजबूत केस बनाया जा सकता है इस बात के लिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे देते कि हाँ अब तुम भी शुरू कर दो। वैसे बहुत जबरदस्त वकालत की है इस शख्स ने अपने हक में कि मुझे अब इजाजत दे दें कि मैं भी फिर उनसे वही करूं जो वो करते हैं। और फिर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, अब बताएं कि क्या मैं भी उनसे वैसा ही सलूक कर सकता हूं जैसा वो मुझसे करते हैं। आपने फरमाया नहीं, इस तरह तुम सब छोड़ दिए जाओगे। अजीब कलाम है, इतनी हिकमत है इसमें, इतनी गहराई है। आप सोचें जरा इस फिक्र में क्या फरमा दिया आपने। आपने फरमाया उनको खुदा छोड़ चुका है, तुम्हें नहीं छोड़ा हुआ। कितना जुल्म होगा कि तुम सारे के सारे छूट जाओ खुदा से, तुम सबको खुदा मतरूक फरमा दे, ये ना करना। कुछ तो हो खानदान के लोग जिनसे अल्लाह प्यार का ताल्लुक कायम रखे, उनको भी छोड़ दिया, तुम्हें भी छोड़ देगा तो तुम्हारा सारा खानदान हलाक हो जाएगा। अक्सर जो खानदानी झगड़े हैं उनमें एक ये वजह है, लोग समझते हैं कि अब तो हमारा हक हो गया है, इतनी ज्यादती हो चुकी है कि अब हम आगे से शुरू कर दें, और दोनों फरीक क्योंकि अपने आप को मजलूम समझ रहे होते हैं, इसलिए दोनों तरफ से यह एहसास बढ़ता चला जाता है, किसी तरह सुलह होने में ही नहीं आती। देखिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा प्यारा जवाब देते हैं, फिर फरमाते हैं तुम फजीलत को अख्तियार करो, उनसे सिला रहमी करो, क्योंकि जब तक तू इस हालत पर कायम रहेगा तेरे साथ अल्लाह ताला इसी तरह का मामला फरमाएगा और तेरा मददगार होगा। तो इससे बेहतर और क्या सौदा हो सकता है कि इंसान से इंसान दुख उठाए और जुल्म बर्दाश्त करे और अल्लाह का प्यार उसके बदले में हासिल कर रहा हो और अल्लाह को अपना मददगार बना रहा हो। तो अहमदी मुआशरे में ये बातें दाखिल होने की जरूरत है बड़ी शिद्दत के साथ। ये कमजोरियां हैं जिन्होंने हमें दुखों में मुबतला किया हुआ है, और जैसा कि मैंने बयान किया है सारी दुनिया की तबाही इसी वजह से है कि बदला लेने का सलीका भी इंसान को अभी तक नहीं आया। अगर माफ नहीं कर सकता तो बदला तो उस तरह ले जिस तरह रसूलुल्लाह अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तालीम दी, और फिर अफ़्फ़ का तरीका नहीं सीखा, फिर मग़फ़िरत का तरीका नहीं सीखा, और उसके नतीजे में सारी दुनिया में मसाइल फैले हुए हैं। और ये बीमारियां अहमदी घरों में भी दाखिल हो चुकी हैं। अगर अहमदी घर इनको साफ नहीं करेंगे तो दुनिया के मसले कैसे बन जाएंगे? दुनिया तो जवाब देगी कि ऐ गंजे, तू अपने सर की फिक्र कर, तेरे सर पे तो बाल कोई नहीं और तू दवाइयां बेचता फिर रहा है गंज के इलाज की, ये तो जेब नहीं देता तुझे। तो बहुत अहम बात है ये, कोई मामूली बात इसको ना समझें। अपने घरों से हर किस्म की लड़ाइयां, फसाद, एक दूसरे पर ज्यादतियां खत्म कर दें, अफफ का सलूक शुरू कर दें, अफरत का सलूक शुरू कर दें, रहम का सलूक शुरू कर दें, और इसका फायदा आपको ही पहुंचेगा। बदले लेने वाले घरों में सुकून कभी नहीं मैंने देखा, जो दुख है बेचैनी वो जहन्नम में तब्दील होना शुरू हो जाती, आगे भड़क जाती हैं दिलों में।
एक जुर्म से दूसरा जुर्म आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, और बाद ऐसे जालिम हो जाते हैं मां बाप कि अपनी औलाद को भी से भी ऐसा जालिमाना सलूक करते हैं फिर कि उन वाकयात सुनकर भी इंसान हैरान रह जाता है। अमेरिका में ऐसे वाकयात कसरत से हो रहे हैं कि माएं अपने बच्चों को पकड़कर दीवारों से मारती हैं और उनके सर फाड़ देती। बाद आदमियों ने ऐसे ऐसे मजालिम किए अपने बच्चों पर, और मामूली तादाद नहीं है, और उनके पागलपन बाजों के तो ऐसे हैं कि वो सोसाइटी से कट जाते हैं, लेकिन बाद ऐसे पागलपन है कि आगे फिर वो जराइम करते हैं और उन दुखों को फैलाते चले जाते हैं, एक नफरत दूसरी नफरत में जन्म लेती चली जाती है। तो हम जब ये इन वाकयात को पढ़ते हैं तो अहमदी कहता है कि मैंने इसकी इसलाह करनी है। खुदा की तकदीर कहती है उससे कि ठीक है तुम्हें मैंने खड़ा किया है इसकी इसलाह के लिए, लेकिन अपनी तो करो, अपने घरों को तो जन्नत बनाओ। जब तक तुम जन्नत नहीं बनाओगे अगली दुनिया में कोई जन्नत दोगे कैसे, जो तुम्हारे पास है ही नहीं चीज, वो आगे किस तरह तकसीम करोगे। इसलिए इन बातों को छोटा ना समझे। बहुत तेजी से वक्त आ रहा है कि इस्लाम का गलबा मैं देख रहा हूं, लोग इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए हैं और तेजी से बढ़ रही है ये रफ्तार। मुझे तो ये फिक्र लगी हुई है कि इनको संभालेंगे कैसे, इनकी तरबियत कैसे करेंगे। अगर अहमदी घरों में उन्होंने यही आप मसाइल देखे तो क्या पाएंगे वो यहां आकर। इसलिए बड़ी जल्दी इस तरफ मुतवज्जे हों और फिक्र करें अपनी। आखिर पर हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के अल्फाज में ये नसीहत आप तक पहुंचाकर जहां तक बस चलता है अपने फर्ज को पूरा करता हूं। फरमाया, बनी नौ इंसान के साथ हमदर्दी में मेरा मजहब है कि जब तक दुश्मन के लिए भी दुआ ना की जाए पूरे तौर पर सीना साफ नहीं होता। यह है रहम का मुकाम, अफ़व और मग़फ़रत से आगे रहम का मुकाम। सिर्फ नहीं, यह नहीं कि माफ कर दिया जाए, उसके लिए दुआ ना की जाए उस वक्त तक सीना साफ नहीं होता। यह बहुत बड़ा गहरा फितरत का राज है। जब आप दुश्मन के लिए दुआ करने की कोशिश करें तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल काम है, बड़ा जोर लगाना पड़ता है, फिर भी बाज दफा दुआ नहीं निकलती। ऐसा जालिम आदमी, उसने ये हरकतें की हैं, करता चला जाता है, उसके लिए दुआ कैसे करूं, माफ कर दिया चले छोड़ दिया उसका पीछा, उससे आगे मैं किस तरह बढ़ जाऊं कि अल्लाह उस पर रहम फरमा। तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह नुक्ता बयान फरमाया कि दुआ करोगे तो फिर यकीन होगा कि तुम्हारा सीना साफ हो चुका है, और दुआ के लिए भी तीन दफा की शर्त लगाई। जब तक कम से कम तीन दफा तुम अपने दुश्मन के लिए दुआ नहीं करते तुम्हारा सीना साफ नहीं हो सकता। इस गुर को बाहर तो अलग रहा, अपने घरों में जरा इस्तेमाल तो करके देखें। बीवी ने खावन से दुख पाया हो उस वक्त वो उसके लिए दुआ करे, खावन ने बीवी से दुख पाया हो उस वक्त वो उसके लिए दुआ करे, अपने बच्चों से दुख पाया हो उसके लिए दुआ करे, बच्चों ने मां बाप से दुख पाया हो उनके लिए दुआ कर रहे हो, फिर देखें सीने किस तरह साफ होते हैं। ये आरिफ बिल्ला का कलाम है, किसी आम इंसान का कलाम नहीं है, एक साहिब तजर्बा का कलाम है जिसको खुदा ने इस जमाने के लिए मामूर बनाया था। वो इन तजर्बों से गुजरा है और फिर ये मोती निछावर कर रहा है हमारे ऊपर। इसलिए बड़ी कदर के साथ इनको पकड़ें। फरमाते हैं, जब तक दुश्मन के लिए भी दुआ ना की जाए पूरे तौर पर सीना साफ नहीं होता। हजरत उमर इसी से मुसलमान हुए कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए अक्सर दुआ किया करते थे। इसको कहते हैं आरिफ बिल्ला का कलाम। आपने तारीख में पढ़ा हुआ वाकया, और हर बयान करने वाला यह बयान करता है कि इसलिए हजरत उमर मुसलमान हुए थे कि बहन को इस तरह जख्म पहुंचा था, वो तिलावत कर रही थी, फिर उसके खावंद ने उसको मारा, और वो उस वाकया ने काया पलटी। ये ठीक है, फौरी मुहर्रिक वही वाकया बना था, लेकिन हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की नजर इस तरफ थी कि असल तो फैसला उमर के मुसलमान होने का उस वक्त हो गया था जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी उनके लिए। फिर बहाने बनते हैं सारे, फिर जो वजूहात आपको नजर आ रही होती हैं ये सिर्फ एक जाहिरी एक मोरे से हैं जो चल रहे होते हैं। मोरा फी जाते ही कोई हैसियत नहीं रखता, ये तो वो हाथ है जो उसको उठाकर रख रहा होता है, वो दिमाग है जो फैसला करता है कि मैंने कौन सी चाल चलनी है।
तो दुआ है जो सारी चीजों के पीछे एक मुहर्रे के अव्वल है और खुदा की कुव्वत है जो कुन का फैसला करके फिर आगे तकदीर को हरकत दे देती है, फिर हमें मोरे नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं आपके लिए अक्सर दुआ किया करते थे। शुक्र की बात है कि हमें अपना कोई दुश्मन नजर नहीं आता जिसके वास्ते हमने दो तीन मरतबा दुआ ना की हो। इस कलाम में आप जानते हैं कि अदना भी मुबालगा नहीं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह लिखने से पहले, यह फरमाने से मलफूजात में से है, फरमाने से पहले नजर डाली होगी लाजमन, उसमें हर किस्म का दुश्मन आ गया होगा जो बदियों में जुल्म करने में गालियां देने में सबसे आगे आगे थे, उन सब की फहरिस्त ज़हन में रखी है। फिर फरमाया कि शुक्र की बात है कि हमें अपना कोई दुश्मन नजर नहीं आता जिसके वास्ते हमने दो तीन मरतबा दुआ ना की हो, एक भी ऐसा नहीं। और मैं तुम्हें कहता हूं बस तुम मेरे साथ ताल्लुक रखते हो, तुम्हें चाहिए कि तुम ऐसी कौम बनो जिसकी निस्बत आया है कि इन्नहुम कौमुन ला यश्का जलीसुहुम, यानी वो ऐसी कौम है कि उनका हम जलीस बदबख्त नहीं होता और उनकी नेकी और हमदर्दी से महरूम नहीं रहता। तो हजरत अकदस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इस नसीहत को मजबूती से पकड़ लें, आपकी भी इसमें खैर है और सारी दुनिया की भी इसमें खैर है। इसमें कोई शक नहीं कि आप ही दुनिया को दोबारा जिंदा करने के लिए कायम किए गए हैं, लेकिन अगर आपने इन बातों को भुला दिया तो आपसे मुराद फिर आपके वजूद नहीं रहेंगे। कुरान करीम से पता चलता है फिर खुदा और कौम पैदा करेगा जो मसीह मौत को अता होगी। नाम तो मसीह मौत का ही लग चुका है जिंदगी में, उसको तो आपको मिटा नहीं सकता, लेकिन हम में से अगर अक्सर ने हजरत अकदस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब होने का हक अदा ना किया तो फिर कुछ और लोग होंगे जो चुने जाएंगे। इसलिए क्यों इस नेमत को अपने हाथ से छोड़ते हैं, इन अल्लाह ला युगयिरु मा बिकौमिन हत्ता युगयिरु मा बिअन्फुसिहिम, अल्लाह तो आपको नहीं छोड़ना चाहता, वो तो अफव का सलूक कर रहा है, बहुत सी हमारी गलतियों से नजर सरफ नजर फरमा रहा है और हमें ही उसने अभी सामने रखा हुआ है। इसलिए क्यों ऐसा मौका पैदा करते हैं कि नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिक खुदा हमें छोड़कर मसीह मौत के लिए कोई और जमात चुन दे। अल्लाह ना करे ऐसा वक्त हो, खुदा करे कि हमें अपने सारे मुआशरे को कुरानी हदायात सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इरशादात के मुताबिक जन्नत बनाने की तौफीक नसीब हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله। एक और बात मैं कहनी चाहता था कि खुश्क साली हो रही है और उससे खुसूसन उन गुरबा को बहुत तकलीफ है जिनकी फसलों का इन्हिसार महज बारिश पर है, और बहुत कसरत से ऐसे बारानी इलाके हैं अगर उनकी एक फसल मारी जाए तो फिर वो दो तीन फसलों तक फिर जमींदारों को उठने नहीं देती वो फसल। पीछे भी नुकसान हो चुका है बयानी फसलों वालों का, इसलिए खास तौर पर दर्द दिल से दुआ करें अल्लाह ताला रहम फरमाए। हमारे रब्बा के बच्चे जहां तक बस चलता है गर्मियों में लोगों को पानी पिलाते हैं, तो इस सिफत के छोटे से जलवे में वो शरीक हो जाते हैं जहां तक उनको तौफीक मिलती है।
तो वो बच्चे खास तौर पर दुआ करें कि अल्लाह हमें तो तौफीक मिलती है, हम पानी पिलाते हैं, तो रहम फरमा, हमारी इस नेकी को कबूल फरमा और लोगों को बख्श दे, अगर उनसे नाराज भी है तो उन्हें माफ फरमा और बकसरत उनके लिए पानी का इंतजाम फरमा। अफ्रीकन भाइयों को भी इस दुआ में याद रखें, वहां बहुत बहुत बड़ी तबाही आई है, खुशहाली मुसलसल जारी है। गाना के अलावा नाइजेरिया और बहुत से ममालिक हैं, चाड, नाइजर वगैरह, तो उनके लिए भी खास तौर पर दुआ करते रहें। इबाद अल्लाह रहमकुमुल्लाह इन अल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व इताए ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाए वल मुनकर वल बगी यज़िदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر।